उसको मुझे मैं आरएलपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे आरएलपी के बारे में पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभारी था, आभारी हूँ और आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरी पहचान बीजेपी ने दी है, मेरी पहचान सिर्फ विधानसभा ने दी है। मैं अब आरएलपी का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल की प्रशंसा छत्तीसगढ़ के लोग, सभी जाति धर्मों के लोग करते हैं, यही मेरी पूंजी है। गरीबनाथ जी महाराज की जय हो, आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम के साथी श्री हनुमान बेलवाल जी को, जिन्होंने मुझे आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा क्षेत्र 134 में अपना उम्मीदवार बनाया, और शिव की जनता के आशीर्वाद से, गरीबनाथ जी के आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से मुझे राजस्थान विधानसभा में दूसरी बार जाने का सुअवसर सौभाग्य मिलने वाला है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे मैंने शिव के लिए काम किया, आगे भी शिव के लिए काम करूँगा। सर, ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही जो भाजपा छोड़कर एक आरएलपी में जाना पड़ा? शिव की जनता की बहुत इच्छा थी, छत्तीसगढ़ की इच्छा थी कि जालम सिंह को एक बार दोबारा विधानसभा में भेजा जाए। शिव की जनता की इच्छा के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप मैंने विधानसभा चुनाव आरएलपी से लड़ने का निर्णय लिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे जननेता माननीय श्री हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सुअवसर मिला है। सर, आप कह रहे थे भाजपा से आपकी टिकट लगभग फाइनल हो गई थी, फिर किसी कारण, क्या कारण रहे कि एकदम आपकी टिकट काटनी पड़ी और आपको? मैं अब आरएलपी का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने 2003 में मुझे शिव विधानसभा से विधायक का टिकट दिया, और जिसके कारण मेरे जैसा सामान्य युवा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभारी था, आभारी हूं और आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरी पहचान बीजेपी ने दी है, मेरी पहचान सिर्फ विधानसभा ने दी है। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? जनता की सेवा। मैं 5 साल विधायक के रूप में रहा, तो मैं समझता हूँ आज आप सभी जानते हैं, सर्वे में बता रहा है, शिव विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करता, शिव विधानसभा में एक विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल की प्रशंसा छत्तीसगढ़ के लोग, सभी जाति धर्म के लोग करते हैं, यही मेरी पूंजी है। धर्मेंद्र जी, पुरानी पार्टी बीजेपी से कई लोग जो है वो बगावत कर चुके हैं, आप इसमें किसको? मैं आरएलपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे आरएलपी के बारे में पूछिए।